हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अमित, आप देखें अमित इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज की इस वीडियो में जो हमारे फ़ैन होते हैं उसके कैपेसिटर से आज हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं, जिससे आप लोग अपना फ़ैन और एलईडी बल्ब उससे जला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आज की वीडियो आप ये पूरी कम्प्लीट देखते हैं तो ए से जेड तक फुल जानकारी देंगे कि आपको फ़ैन कैपेसिटर से इन्वर्टर कैसे बनाना है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल पहले क्या कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेकिन आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, तो जैसे कि आप सिर्फ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सभी कैपेसिटर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से आपको एक इन्वर्टर बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसको आप लोग अपने घर पर यूज कर सकते हैं और आप लोग उसे एलईडी बल्ब जला सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक हमारे पास जो सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर है ये हमारा 120 mFD का। उसके बाद आप लोग जो ये दूसरा कैपेसिटर देख रहे हैं, ये हमारा 15 mFD का कैपेसिटर है, और दो हमारे पास जो 2.5 mFD कैपेसिटर हैं और 2.5 के हैं, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इतने कैपेसिटर हैं, हम इन्हीं से अपना इन्वर्टर बनाएंगे और आप लोगों को अपना बल्ब जलाकर दिखाएंगे आप लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं और आप लोग भी अपने घर पर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सभी कैपेसिटर में आपको दो दो वायर मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सभी कैपेसिटर में दो दो वायर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे कुछ कैपेसिटर इसमें जो है फ़ैन के हैं और कूलर के हैं और समरसेबल के भी हैं, ठीक है। तो आपको सभी जो दो दो वायर मिल जाते हैं उसमें का एक एक वायर लेकर हमको सभी कैपेसिटर में जोड़ देना है, ठीक है। सभी कैपेसिटर का एक एक वायर हमको लेना है और एक में जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वायर हमारा बचेगा उसको भी इसी प्रकार करना है, ठीक है। तो हम फटाफट से जोड़ते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे जोड़ रहे हैं। हम सभी कैपेसिटर के एक एक वायर को एक में जोड़ दिए हैं, ऐसे आपको जोड़ लेना है। उसके बाद जो हमारे एक एक वायर और बचेंगे उसको भी हमको दूसरे वाले में जोड़ देना है, ठीक है। और आपको दो जो है पॉइंट मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा दूसरा वाला है, इसमें भी हम जो अच्छे से जोड़ देंगे, आपको बिल्कुल आसानी से जोड़ना है। हमारा दूसरा वाला वायर है उसको हमको सभी में एक में जोड़ देना है, जितने हमारे कैपेसिटर हैं सभी के वायर को आपको एक में जोड़ देना है, ठीक है। तो हम फटाफट से सभी को जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आपको हम बता दें इसको चार्जिंग कैसे करना है और ये हमारे कैसे इसमें बल्ब जलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें अच्छे से वायर को जोड़ दें, ऐसे आपको सभी वायर को जोड़ देना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें अच्छे से दोनों वायर को जोड़ दिया है, ठीक है। ऐसे आपको इसे कनेक्शन कर लेना है, ठीक है। आपको इसमें दो पॉइंट मिल गए हैं, आपको ऐसे इसमें जोड़ देना है, बस हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। अगर हम ऐसे चार्ज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खतरे का होता है और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको इन्वर्टर बनाने के लिए हमारे पास एक 2-way का ये बोर्ड है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमारा एक सॉकेट लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। जो हमारे कैपेसिटर में दो वायर निकले हुए हैं इसका कनेक्शन हम अपने सॉकेट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसे कनेक्शन कर लेते हैं और फिर इसको हम आपको लोग चार्ज करके दिखाते हैं, फिर ऑन करके दिखाते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपको दो इसमें पॉइंट मिल जाते हैं कैपेसिटर के, इसी में हमको ये दोनों वायर को जोड़ देना है। उसके बाद आपको इन दोनों वायर को कनेक्शन करना बोर्ड में, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर दोनों वायर को जोड़ दिए हैं, अब उसके बाद हम इन दोनों वायर को अपने बोर्ड में कनेक्शन कर देते हैं, इसको हम चार्जिंग करके दिखाते हैं, फिर आपको बल्ब जलाकर दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसमें एक सॉकेट लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो हम एक वायर लगा देंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में और एक वायर लगा देंगे सॉकेट के दूसरे पॉइंट में, ठीक है। तो फटाफट से इसके कनेक्शन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चार्जिंग करते हैं और इसको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क करता है। और आप लोग भी इसको अपने घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कर दीजिए, ट्विटर फॉलो कर दीजिए, सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप लोग हमको वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन कर दिए, आपको ऐसे कनेक्शन कर लेना है। अब हमको जो दोनों वायर खुले हैं इसमें हमको टेपिंग कर देना है, ताकि जब हम इसमें लाइन चालू करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ही सावधानी से आपको काम करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसमें टेपिंग भी अच्छे से कर दिया है, ठीक है। अब हम अपने बोर्ड के जो हमारा ढक्कन है ऊपर का ये प्लेट है, इसको फुल टाइट कर देते हैं अपने पेंच से, उसके बाद फिर इसमें हम लाइन चालू करते हैं। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर हम पेंच लगा रहे हैं
और इसको फुल टाइट कर देना है, ठीक है। इससे हमने यहाँ पर बोर्ड इसलिए लगा दिया ताकि आपको यहाँ पर जो बल्ब लगाने में भी आसानी हो और इसको चार्जिंग करने में भी आसानी हो, इसलिए हमने यहाँ पर बोर्ड और स्विच का प्रयोग कर दिया ताकि अच्छे से आप लोग इसको वर्क कर सके। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा एकदम अच्छे से कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको हम फटाफट से चार्जिंग करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे पास दूसरे बोर्ड में यहाँ पर लाइन आ रही है। तो इसको चार्जिंग करने के लिए आपको दो वायर और लेने पड़ेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने दो वायर ले लिया है और अपने कैपेसिटर वाले बोर्ड में इसको दोनों वायर को लगा देना है, ठीक है। इसके बाद लगाने के बाद जो हमारा दूसरा बोर्ड है जिसमें हमारी लाइन चालू है उसमें आपको ये दोनों वायर को लगा देना है और तीन चार बार लगाना है और जो है फिर से जो है निकालना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम तीन चार बार इसको झटके दे रहे हैं, ऐसे आपको तीन चार बार लगाना है और इसको चार्जिंग करना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा अच्छे से चार्ज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग इसको ऐसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिस्चार्ज करना है तो दोनों वायर को एक में जोड़ देना है, बस ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, इसमें कोई भी करंट नहीं रहेगा। आप लोग इसको हाथ से छू सकते हैं। तो इसको हम एक बार दोबारा अच्छे से चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें आपको हम बल्ब जलाकर दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है और आप लोग इसको कैसे बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हम तीन चार बार लगाएंगे अपने सॉकेट में, बस हमारा अच्छे से चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा चार्जिंग हो चुका है, अब हम दोनों वायर को अपने सॉकेट से बाहर निकाल लेते हैं। आपको बहुत ही सावधानी से काम करना है। तो हमने दोनों वायर को सॉकेट से निकाल दिया। अब ये हमारा एक बल्ब है, इसको अपने अब लगाते प्लग में, उसको देखते हैं कि हमारा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको अपने प्लग में लगा दिया और ये हमारा कैपेसिटर से एकदम अच्छे से जल रहा है और ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इन्वर्टर इसको बना सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना उजाला है और ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है और ये हमारा अच्छे से बल्ब जल रहा है, ठीक है। आपको इतने कैपेसिटर लगाना है, बस आपका इन्वर्टर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको निकाल दिए हैं, आप लोग इसको फिर से लगा कर दिखाते हैं। तो आप लोग इसको फिर से इसमें लगाइए, बस हमारा इसमें अब करंट आ चुका है, हमारे कैपेसिटर पूरे एकदम अच्छे से चार्ज हो चुके हैं और इसमें हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा बल्ब आपको चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा वो भी जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो जो हमारा नाइट बल्ब होता है उसको लगा के आपको दिखाते हैं। तो हम इस बल्ब को निकाल देते हैं और इस दूसरे बल्ब को लगाते हैं और इसको भी चेक करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको फटाफट से लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा ये ऑन होता है कि नहीं ऑन होता। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये बल्ब ऑन हो चुका है और ये भी हमारा अच्छे से जल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग चाहें तो ये बल्ब यूज कर सकते हैं और चाहें तो एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं तो इसका बैकअप ज़्यादा है, वो दो तीन घंटे अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वाला बल्ब यूज करते हैं तो इसका बैकअप थोड़ा कम है। तो आप लोग देखते हैं हमारा एलईडी बल्ब अच्छे से जल रहा है, आप लोग इसको दो तीन घंटे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, अपने घर पर इन्वर्टर बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो ये सॉकेट देख रहे हैं इसमें आपको दोनों वायर को फिर से लगाना है और दोनों वायर को एक में जोड़ देना है, बस हमारा ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा। आप लोग इसको हाथ से भी छू सकते हैं बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डिस्चार्ज हो गया है, अब इसमें हमारा कोई भी करंट नहीं है। तो आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब हमारे बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।